हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग GS15R। सो मेरे जो दिन की शुरुआत होती है वो इसी तरह से होती है। मैं डेली जो सुबह को ये लगभग 8 से 10 जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स, इनको खाना खिलाता हूँ एंड उसके बाद काम पे चला जाता हूँ एंड शाम को फिर आता हूँ वहाँ से 4 से 5 बजे एंड तब फिर मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। सो ये वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा हम इसमें जो है फूड को इन्जॉय करने वाले हैं एंड साथ ही साथ स्पेशली इस वीडियो में टारगेट करेंगे आप अपनी बाइक के जो टायर है कहाँ पर चेंज करा सकते हैं और कौन सी बाइक में कौन से टायर लग सकते हैं। फिलहाल मैं आज ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए अपाचे एंड पैशन प्रो। हम जो है दोनों बाइकों में जो है टायर चेंज कराने वाले हैं। अपाचे में तो दोनों कराएंगे एंड पैशन में मुझे कराना है फ्रंट वाला, बैक का ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। सो देखिए ये चेंज कराने के बाद कितनी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है और हम इसमें बात करेंगे इनका क्या प्राइस है, कौन सा ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो है नॉर्मली जो 2-3 कंपनी आती है उनको यूज़ कर चुके हैं और हमारा जो पर्सनल जो क्या रहा रिव्यू, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो हम आपको बताने वाले हैं। सो ये जो टायर है हम देख सकते इसी के ओरिजिनल साइज़ के हैं, आज ही डलाए हैं। और सबसे पहले बता देता हूँ मैं इनका प्राइस, ये हमें पड़े हैं 3600 रुपये के आसपास, ठीक है ना। फिटिंग भी हुई है, फिटिंग मशीन से हुई है और नॉर्मली कोई आपको 3700-3800 में देंगे। यह C8 के टायर और हमारा जो इससे पहले एक्सपीरियंस था MRF के साथ या फिर अपोलो के साथ, अपोलो मेरी जो पैशन प्रो बाइक में है वो अभी दिखा देंगे आपको, वो उतना अच्छा नहीं रहा, उसकी ग्रिपिंग भी उतनी अच्छी नहीं और पंचर वगैरह ज़्यादा होते। हाँ, मेरे पास इससे पहले C8 का टायर था, वो काफ़ी अच्छा चला, लगभग ये समझ लीजिए 5 साल चला वो टायर और बहुत ही ज़बरदस्त निकला। तो इसीलिए हमने इसमें जो है C8 के ही टायर को यूज़ किया है, हमने जो है MRF को यूज़ नहीं किया, अपोलो को यूज़ नहीं किया, क्योंकि अपोलो के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि हमने अपोलो का जो आता है H1 Alpha वो यूज़ नहीं किया, वो KTM वगैरह में यूज़ करते हैं एंड हमने MRF का किया, उसके अंदर भी काफ़ी पंचर वगैरह हुए। सो ये काफ़ी अच्छी डील मिल गई और नॉर्मली अच्छा चलता है हमारे हिसाब से, जो टायर है जिस हिसाब से हम बाइक चलाते हैं लगभग 5 साल के आसपास चल जाएगा। और ये जो शॉप है सदना बाईपास के पास है, बट अगर आप कभी भी टायर को चेंज कराते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, एक तो उसका साइज़ वही होना चाहिए एंड मोस्ट उसकी जो डेट जो टायर की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि 1-2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं लें आप, और ये जो टायर है मुश्किल से 1 महीने पुराना है और इस पर भी लिखा होता है महीना एंड ईयर लिखा होता है, तो आप उस तरह से चेक कर लीजिएगा एंड देन आप उसको फिट कराइएगा। अब इतना कुछ करने के बाद हमें लगी थी भूख। सो मेरठ में आप सभी को पता है, जो दिल्ली में भी होता है, हम सभी को जो है छोले भटूरे बहुत पसंद होते हैं। सो वी वेंट टू ईट छोले भटूरे एट पिंकी शॉप। सो यहाँ पे इनकी सेकंड शॉप है और काफ़ी नॉस्टैलिजिक फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब कभी हम मेरठ कॉलेज जाते थे या फिर इस रास्ते से जाते थे हम कभी खाते थे, उसके बाद फ्लेवर वगैरह जाना शुरू कर दिया, या दिल्ली वाले के चले जाते थे दिल्ली वाले छोले भटूरे, बट ये जो टेस्ट है यूनिक है। और यहाँ पर जो हमें जो ट्रीटमेंट मिला, चाहे वो ओनर की तरफ से हो या फिर जो यहाँ पे इनके जो खाना खिलाने वाले हो, बहुत ही अच्छा लगा, बिना मांगे सब चीज़ मिल रही थी, अचार वगैरह, सैलेड वगैरह या फिर छोले, इवन हम लोगों को उन्होंने 4-5 बार दे दिए। सो काफ़ी नाइस एक्सपीरियंस था। कैसे हैं, सही है? एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पैशन प्रो का। देखिए ये जो है ये अपोलो का टायर है, इसमें पंचर हो चुके हैं पता नहीं क्यों, ये मैंने चेंज कराया है, ये मैंने सेकंड का टायर लिया है। सेकंड का मींस इसका जो है कंपनी वगैरह नहीं है बट ये न्यू है और ये मुझे मिला है मात्र 800 रुपये का। सो इसको भी मैं चेक करूँगा, मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं बाइक चलाता हूँ बहुत अच्छे से चलाता हूँ, सो ये भी लगभग 4-5 साल चल जाएगा। पीछे का मुझे चेंज कराना पड़ेगा अपोलो का, इसका मुझे खतरा है, ठीक है ना। फिर इवनिंग में जो है हम लोगों को जाना था, क्योंकि अपनी ये भी बाइक दिखानी थी हमें, देख सर इसका जो टायर उन्होंने बताया 1900 रुपये का। सो तब तक रात हो चुकी थी, फिर रात होने के बाद क्या है भाई, डिनर भी करना था। सो मैंने सोचा क्योंकि पूरा दिन आज बाहर हो चुके हैं, फिर ये यहाँ पे लखवाया जो रोड है, ये रोड जाती है सीधी रोटा, सो यहीं पे आपको ये शॉप देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। AP के नाम से है ये शॉप और आप यहाँ पे आ सकते हैं और कभी भी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, ठीक ठाक है।
और यहाँ पे आपको सस्ता मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। इवन आपको यहाँ पे 10 रुपये की चाउमीन मिल जाएगी, उसके अंदर आपको मटर देखने को मिलेगी, सोयाबीन देखने को मिलेगी। और ये वाली फैसिलिटी मुझे अपने यहाँ पे मेरठ में या कंकरखेड़े में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है सबसे, ठीक है ना। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ चटनी वगैरह, और 10 रुपये की काफ़ी होती है, बट क्योंकि हम लोग थोड़ी भूख लगी हुई थी तो हम लोगों ने 20-20 रुपये की ली, सो 20 रुपीज़ ठीक है। अब हम 100-100 रुपये की खाएंगे उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सेहत भी थोड़ा देखना है, ठीक है ना। सो मैं उसको जो है विदाउट कोई मसाला या कोई भी चटनी वगैरह उसको यूज़ नहीं करता हूँ, बट आज इन्होंने बोल दिया कि ठीक है वो चटनी भी यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आई अवॉइड। मुझे जो सिंपली खाना पसंद है और टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद हम इनका यूज़ करेंगे बर्गर, और वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, वो भी 20 रुपीज़ का आता है। और मोमोज वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना, बहुत कम खाता हूँ, और ये भी महीने में एक बार। जैसे कि आज जो है काफ़ी दिन बाद ऐसा मूड हुआ कि पैसे तो खर्च हो ही रहे थे सुबह से ही, क्योंकि हमने 2 टायर जो है अपने अपाचे के चेंज कराए, एक उसका बदलवाया पैशन का, एंड एक इसकी जिक्सर का बदलवाएंगे अभी, 1900 रुपये का बताया, देखते हैं कभी जब मौका लगता है तो उसको चेंज करा देंगे। अभी फ़िलहाल चल रहा है, अभी भी नेक्स्ट टाइम जब कभी पंचर होगा तो देन वी हैव टू रिप्लेस इट। और ये देखिए इस मंदिर के पास ही शॉप है, और ये रोड है सीधी जाती है रोहटा, एंड दिस इज़ अवर बाइक, एंड ये इनकी शॉप है, ठीक है ना। आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंड दिस इज़ आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ बर्गर। चलो टेस्ट करके बता कैसा है फटाफट, एक बाइट ले ले, फिर मुझे बता कैसा। ले ले, मैं भी डाल लूँ। कैसा है, सही लग रहा? एक बार मैं भी ले लेता हूँ भाई। बढ़िया है सो 20 रुपये के हिसाब से जो है बर्गर का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और ऐसी चाउमीन भी अच्छी लगती है, ठीक है ना। उसके साथ हमने जो है 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ले ली, एप्पी फिज आती है छोटे वाली, और मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ इसको, और मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत कम क्वान्टिटी में लीजिए इसको, ठीक है ना। जितना मैंने ले रहा हूँ ये भी मैं लगभग एक महीने में एक बार, क्योंकि आज टाइम मिल गया तो ले लिया। सो प्लीज़ मैं सभी जो छोटे बच्चे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अवॉइड, घर पर बना हुआ खाना खाइए, एंड enjoy योर लाइफ, enjoy योर डे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी टायर के रिगार्डिंग, एंड यू ऑल्सो enjoy द फूड ब्लॉगिंग। सो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, जिससे कि हम जो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी ऑल, जय हिंद वंदे मातरम, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। और ये आप पीछे का नजारा बाइक है हमारी।